parties, boy. So let's get started. So guys, आज मैं जा रहा हूँ पानेरी, उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे एक रिजॉर्ट है, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं, कैसे दिखता है, क्या क्या है, और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, तो मैं पहुंच गया हूँ राइनो एको रिजॉर्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग है, तो इस द पार्किंग, बाइक मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे अभी टिकट काट के बाइक का मतलब पार्किंग का फिर अंदर चलते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ। तो गाइस, आप जब पहुंचेंगे तो आपको इस तरीके का गेट देखने को मिलेगा राइनो एको रिजॉर्ट में। तो चलिए अभी बढ़ते हैं गेट के अंदर से, और सीनरी तो बहुत अच्छा है देखने को मिल सकता है। इधर पार्किंग है, इधर आप बाइक या गाड़ी को पार्क करके रख सकते हैं, और ये गेट है, गेट से अभी हम जा रहे हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो रिजॉर्ट को, काफ़ी अच्छा है देखने में। तो इधर देखो ये पाथ है, इधर से चलते हैं। तो पीछे एकदम पहाड़ है, पहाड़िया इलाका है ये, और देखिए आप लोग। तो गाइस, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि बहुत मतलब प्लीजेंट जगह है एकदम। गाड़ी और ट्रांसपोर्ट ये सबसे बहुत दूर है, तो यहाँ पर आए आप, आपका बिजी शेड्यूल है तो इधर आके थोड़ा चिल करो। तो गाइस, दिस इज़ द रिजॉर्ट। तो मेरे पीछे आप रिजॉर्ट को देख सकते हो, दिखा रहा हूँ, ये देखो कितना अच्छा है देखने को। तो दिस इज़ द रिजॉर्ट, और आप देखिए ऐसा मतलब दिखता है, देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। यहाँ पे मतलब ये देखो कितना सुंदर है, यहाँ पे ग्रास व्रास और अच्छे से काट के रखा है, और अच्छा अच्छा मतलब सजा के रखा है। तो देखिए आप, अब मैं भी देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, नज़ारा काफ़ी सुंदर है गाइस, काफ़ी सुंदर। तो आपका मतलब बिजी शेड्यूल है, आप उसी ऑफिस जाते हो, या फिर मतलब बहुत ही कुछ कुछ काम करते हो, मतलब आप बहुत बिजी रहते हो, तो मतलब यहाँ पे आए आप लोग, यहाँ पे आके देखिए कैसा कैसा मतलब ड्यूटी है इधर का। एकदम गाड़ी मोटर्स के परे है, बहुत दूर है, और अच्छा लगता है यहाँ पर आके। तो आप भी आइए, मैं भी आ रहा हूँ, और इन्जॉय कीजिए इस रिज़ॉर्ट को। रिजॉर्ट के बीचों बीच मुझे एक पूल मिला, पूल ये क्या है पता नहीं है, लेकिन इधर अच्छा सा पानी है, देख सकते हैं आप लोग इधर। और मुझे पता नहीं लगा कि यहाँ पे मुँह वूँह धो सकते शायद, लेकिन मत धो ना, क्योंकि पूछ लेना, ख़राब भी हो सकता है पानी। तो ये है इधर, बहुत बड़ा है रिजॉर्ट, काफ़ी बड़ा है, मतलब जिधर भी जाए मेरा एरिया है एकदम बड़ा सा। तो और पीछे टी प्लांटेशन है उधर, उधर वहाँ पर टी है गार्डन, और यहाँ पे कपल्स फैमिली सब आते हैं, और आप भी आए, आनंद उठाए इस रिजॉर्ट का। तो चलिए फिर से। तो गाइस, ऊपर से आपको इस तरीके का दिखता है रिजॉर्ट, और देखिए हम वहाँ से आए थे उधर से, तो इधर से आ आ के अभी मैं थोड़ा ऊंचाई में आ गया हूँ, तो ऊंचाई से ये रिजॉर्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आप देख सकते हो उधर ग्रास अच्छे से काट के रखा है गोल गोल करके, ताकि मतलब जब भी आप आए यहाँ पे पहली बार या हो आते रहे तो आपको अच्छा लगता रहे, क्योंकि मतलब सब कुछ डिसिप्लिन में है। आप देख सकते हैं ये पूरा बड़ा फील्ड है, यहाँ पे आप बच्चों को लेके आके खेल सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स को लाके और आके यहाँ पे चिल मार सकते हैं। तो यही है कुछ, और चलिए देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या मिलता है हमें। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, यहाँ पे फैमिली ला सकते हैं, उसका मतलब देखो आप, यहाँ पे मतलब बच्चों का खेलने के लिए ये झूला एक है, तो यहाँ पे बच्चे आराम से झूल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, देखिए गाइस, और एक
बात गाइस, जगह जगह आपको ऐसे मतलब डस्टबिन देखने को मिलेगा जो कि मन पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप कुछ मतलब उधर खा वा के तो इधर फेंक देना, अच्छा होगा, क्लीन रहेगा हमारा पर्यावरण। आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब मुझे मैं घूम रहा था तो यहाँ पे एक मुझे चीज़ दिखा। ये चीज़ कैसा है देखिए गाइस, मतलब नीचे से कोई शार्क ऊपर निकल आया जैसा लग रहा है, लेकिन ये गाइस एक पेड़ से बना है। एक खराब पेड़ को मतलब स्टाइल करके थोड़ा मतलब वेल या शार्क का मतलब स्टाइल दिया है, तो देख सकते हो अच्छा डिज़ाइन है। आँखें वाखें बना के रखा है इधर, और इधर दांत नुकीले। अगर मेरा वीडियो कोई मतलब शादीशुदा इंसान देख रहा है तो आप यहाँ पे आए तो आपको बच्चों को खेलने के लिए अच्छा अच्छा खिलौने यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखो स्लाइड, और ये क्या क्या झूला है पता नहीं मुझे, लेकिन है और अच्छा अच्छा झूला, और वो शीशो और वो स्प्रिंग कुछ ऐसा है, और वहाँ पे एक झूला है जिसके आप झूल सकते हो। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है रिजॉर्ट। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि कुछ लव शेप का बना है यहाँ पे, तो मेनली ये कपल के लिए होगा पता नहीं। इधर देखो लव, आई लव राइनो एको रिजॉर्ट, पता तो बेटर होगा। और गाइस अगर आप एडवेंचर फ्रीक है तो यहाँ पे आप आके एडवेंचर कर सकते हैं। यहाँ पे रोप पे आप उठ सकते हो, तो ये रोप है, एक रैंडम भैया यहाँ पे फोटो खींच रहे उठ के, तो आप यहाँ पे आए और ये क्लाइम करके देखें, अच्छा लगेगा आपको भी। तो इतना ऊंचा है, तो अगर आप आए तो ये क्लाइम ज़रूर करना अगर आप एडवेंचरस हो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये सीवान के रखा है सीढ़ी के जैसे, तो देखते उधर क्लाइम करके कैसा लगता है। और चलो मैं उठता हूँ, आप देखिए मेरे उड़के जाओ, उड़के सीधा। अगर आप उठे तो सेफ्टी हेलमेट है तो आपने वो सब पहन के उठे। मैं बिना सेफ्टी के उठाऊँ लेकिन ऐसा मत करें, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, आप सेफ्टी गेयर्स पहन के उठे। तो गाइस दिस इज़ बेबी जिप लाइन, अगर आप आए बच्चे को लाए तो यहाँ पे इस तार से आप इधर पहुँच सकते हो उधर, तो आइए आप, अच्छा लगेगा आपको और बच्चों को भी लाए, काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है, तो चलिए। तो गाइस मुझे एक यहाँ पे भैया मिले हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे उनका मतलब हॉर्स है, वो मतलब हॉर्स राइडिंग करवाते हैं, और मतलब आपको उठना है तो आप पैसा देके उठना पड़ेगा। तो भैया से चलो पूछते हैं कि यहाँ पे मतलब कितने लोग आते हैं, कैसा मतलब उन लोग का फीडबैक है और क्या क्या करते हैं, अच्छे से मतलब पूछते हैं। तो भैया बोले, हम लोग राइनो इको रिजॉर्ट में आ सकते हैं, आप लोग हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, जीप लाइन है, जीप लाइन में चढ़ सकते हो, रूप वायर है, और बर्मा ब्रिज है, आप लोग सब इस्तेमाल कर सकते हो। तो भैया आप लोग का इधर अंदर नदी के अंदर अंदर जाने से वाटरफॉल झरना भी है, वहाँ भी जा सकते हो। तो आप पे झरना भी है गाइस, आप लोग आए बहुत अच्छा लगता है, पे अच्छा लगेगा। और आने से आपको शनिवार और देवबार को आने से ज्यादा आदमी रहता है, शनिवार और रविवार को अगर आए तो ज्यादा इंसान रहेगा, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। तो मतलब दिन में कितने आदमी आते हैं यहाँ पे, आप बोल सकते हो क्या? ऐसे दिन में तो सर 100-150 आदमी आ जाता है, बाकी वो आता जाता है, लेकिन शनिवार को मोटा मोटी 1000। अच्छा अच्छा, अच्छा लगता है अब आके उन लोगों को भी, अच्छा फीडबैक भी अच्छा है यहाँ पे, जितना गर्मी रहने से भी यहाँ हवा अच्छा चलता रहता है। तो अच्छा, तो गाइस आप देख सकते हैं भैया ने कितना मतलब अच्छा बात बोला है यहाँ पे, तो अच्छा अच्छा लगता है यहाँ पे। आइए आप फैमिली के साथ आए, फ्रेंड्स के साथ आए, किसी के साथ भी आ सकते हैं यहाँ पे, अकेले भी आ सकते हैं, एंजॉय करें। गाड़ी मोटर्स के बहुत दूर है ये जगह, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई वो नहीं, तो आइए आप। तो थैंक यू। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस अभी घूम घूम के थोड़ा मतलब भूख लग गया, तो यहाँ पे खाने आ गए, तो यहाँ पे एक कैंटीन बना है, यहाँ पे हम सब यहाँ पे बैठे हैं, अभी ऑर्डर दिया है कुछ। ये हिरोक भाई, इनामुल और केकेडी बोलते हैं कुणाल कौशिक देवरी, और ये रोहतिम भाई जिससे आप मिल चुके हो।
गाइस सभी खाना वाना हो गया, तो चलिए अब जर्नी को फिर से शुरू करते हैं पेट को थोड़ा शांति देते हुए। गाइस ये मतलब डायरेक्ट कैंटीन के बाहर ही है ये व्यू, तो आप कैंटीन में घुसने के बाद खाना वाना खाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे है कुछ घर जहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं, और इधर भी है कुछ मतलब पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पीछे जो घर देख रहे हो वहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हो। आप पूछ लेना कैसे क्या करते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे तो अभी नहीं पता, तो आप यहाँ पे आए तो पूछ लेना कैसे क्या नाइट स्टे कर सकते हैं। तो गाइस फिटनेस को ध्यान देते हुए यहाँ पे आपको थोड़ा जिम एक्सरसाइज भी देखने को मिलेगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे थोड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अभी खाना खाया ना तो पचाना तो पड़ेगा, तो यहाँ पे जिम कर रहे हैं वो लोग, देखे डायरेक्ट खाना खाने के बाद। तो गाइस देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे सो के मोबाइल देख रहे हैं, यहाँ पे इतना दूर आके यहाँ पे उन लोग को घूमना चाहिए लेकिन मोबाइल देख रहे, देखो। तो गाइस अब बढ़ते हैं सिनेमैटिक की ओर। गाइस आते आते यहाँ पे मतलब मुझे एक सेल्फी कॉर्नर देखने को मिला, जो कि मेरे अभी दोस्त लोग जाके यहाँ पे सेल्फी ले रहे, तो आप देख सकते हो ये देखो, ये देखो गाइस दिस इज द सेल्फी कॉर्नर। तो गाइस दिस इज द इको रिजॉर्ट, आके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। कैसा लगा, अच्छा लगा ना? मस्त एकदम रॉक। आप लोग आना, फैमिली के साथ आए, गर्लफ्रेंड के साथ आए, किसी के साथ भी आए, बहुत मतलब अच्छा है, इको फ्रेंडली है, तो अच्छा लगेगा आपको। आए यहाँ पे, एंजॉय करें पूरा। तो सी यू, बाय बाय गाइस।